हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप अट्रैक्टिव सा यूट्यूब का थंबनेल कैसे बना सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसानी से। इतना अट्रैक्टिव कि लोग आपके उस थंबनेल पे क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं और आपकी वीडियो देखने पे मजबूर हो जाएं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि यूट्यूब के जो थंबनेल होता है उसका साइज़ होता है 1920x1080। मतलब फाइल पर आप आएंगे, न्यू पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से लिखेंगे 1920x1080। 72 रेजोल्यूशन रख लीजिएगा और 8GB मोड रख लीजिएगा और आप करेंगे इसको क्रिएट। ठीक है जी। अच्छा जी, आज हम जो थंबनेल का आइकन बना रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना के ऊपर हम एक थंबनेल बना रहे हैं, तो देखें इसके लिए क्या करते हैं। सबसे पहले आपने साइज ले लिया, उसके बाद मैं फाइल पर आऊँगा, ओपन करूँगा और यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लूँगा। ठीक है जी, इसको ओपन करा, इसको उठा के मैंने रखा यहाँ पे। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। कंट्रोल टी से आप ट्रांसफॉर्म करते हैं तो इसके ज़रिए आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से कलर लेता हूँ ब्लू। ठीक है, डार्क ब्लू, ओके करता हूँ। अल्टर बैक स्पेस, उसके बाद इसका कलर मैं थोड़ा सा, इसकी ओपासिटी मैं कम कर देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है जी, थोड़ी और कम कर देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से मैं इसको करता हूँ लीनर डॉज और सही, इसको ऐसे रखता हूँ। ठीक है जी, और इस पर क्लिक करके कंट्रोल यू करूँगा और इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, राइट हैंड पे ब्लूश कलर 35, ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा फाइल में आता हूँ, ओपन, और यहाँ से ये मैं उठा लेता हूँ, ओपन करता हूँ, इसको उठा के फिर मैं इसे यहाँ पे रख देता हूँ। देन मैं एडिट पे आता हूँ, फ्री ट्रांसफॉर्म या कंट्रोल टी, उसके बाद इसको छोटा करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिखता हूँ, एक टेक्स्ट टूल लिया मैंने, ये टेक्स्ट टूल है हमारा, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ क्लिक करके लिख देता हूँ मैं सेफ्टी टिप्स। अच्छा, फॉन्ट मैंने यहाँ से गौथम लिया है अल्ट्रा इटैलिक। ठीक है, आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा सीधा पे करते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं हम। ठीक है जी, उसके बाद मैं यहाँ से लूँगा राउंडेड रेक्टेंगल, इसको ड्रॉ करूँगा इस तरीके से। ठीक है, कलर मैं ही रखता हूँ जो आ रहा है, कलर का कोड ये है। ठीक है जी, या चाहें तो आप कलर चेंज भी कर सकते हैं, हम काम करते हैं ये कलर ले लेते हैं यहाँ से शार्क। ठीक है, ये कलर ले लिया हमने, कोड यहाँ पे आ रहा होगा, आप देख लीजिएगा, ओके करा। उसके बाद मैं दोबारा टेक्स्ट लिखता हूँ, क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ फॉर, और इसका साइज़ और फॉन्ट चेंज कर देता हूँ मैं। फॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ मैं ये कॉन्ट बुक, आप कोई भी फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी फॉन्ट अपनी मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यही फॉन्ट की मैं डुप्लीकेट करता हूँ कंट्रोल जे से, इसको यहाँ रखता हूँ और इसको उठा के इसके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, और इसको लिख देता हूँ कोरोना वायरस। अब इसकी सेटिंग कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ इटैलिक, नहीं करता इसको मैं, करता हूँ अपने मर्जी से कोई भी फॉन्ट दे दिया मैंने। ठीक है, और इसको बड़ा कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया।
इसके अलावा मैं थोड़ा सा और देखता हूँ कलर, अगर से मुझे अच्छा लग रहा हो कोई। सही, ये कलर सही है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको यहाँ रखते हैं ऐसे, इसको यहाँ रख दिया, और इसकी कॉपी बना ली, इसका साइज़ छोटा कर दिया, इसको यहाँ रखते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं हम इसका कलर, रेड से थोड़ा सा ये वाला कलर, ओके करा, या फिर ओके सही है, ओके करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं, और इसी फॉन्ट की डुप्लीकेट ले लेते हैं, इसको उठा के ऊपर रखते हैं, यहाँ लाते हैं और उसको लिख देते हैं फॉन्ट छोटा कर देते हैं इसका, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसके अलावा अब हम दोबारा इसके अंदर आते हैं, कस्टम शेप टूल के अंदर आते हैं, यहाँ से हम ये एरो ले लेते हैं, ये एरो आपको मिल जाएगा यहाँ पे, इसको ड्रॉ करते हैं शिफ्ट के साथ ऐसे, कलर वाइट रखिएगा, ठीक है जी, और इसकी डुप्लीकेट कर लीजिएगा, कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इसको यहाँ रख दिया आपने, और ये आपका एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल तैयार है, ठीक है जी। और बहुत जल्द मैं आपको गेम के ऊपर भी थंबनेल बनाना सिखाऊंगा, और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।